एवरीवन, कैसे हैं आप? आज है पार्ट थ्री, जिसमें मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपनी राशियों के अकॉर्डिंग आपको माता रानी को क्या चढ़ाना चाहिए जिससे आपके ग्रह भी शांत हो जाए और साथ ही साथ आपकी कोई भी मनोकामना पूरी हो जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये 9 दिन बहुत ही अच्छे हैं। इन 9 दिन हम अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हैं। माता को प्रसन्न करके जो हम मांगेंगे वो जरूर की जरूर मिलेगा। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ राशियों के अकॉर्डिंग, आपकी राशि के अकॉर्डिंग आप माता रानी को क्या चीज का भोग लगाए जिससे आपको वो चीज जरूर की जरूर मिलेगी। यानी कि 9 दिन लगातार आप चढ़ा सकते हैं। 9 दिन में से 2 दिन या 3 दिन आप जरूर चढ़ाएं तो आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। बट उससे पहले ये जान लीजिए मैं कौन, मैं शालिनी गुप्ता वास्तु कंसल्टेंट। नमस्ते आप सबको। मेरा आशा करते हैं आप लोग घर में सब सही होंगे, मजे में होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। प्लीज हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, ऐसे 2 पार्ट मैं ऑलरेडी बना चुकी हूं। ये है पार्ट 3। अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरे पार्ट 1 और पार्ट 2 भी देखें तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, साथ ही आपको यहाँ पर स्क्रीन पर भी शो हो जाएंगे, तो उन लिंक को जरूर देखिएगा। और आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, मैं अपने वीडियो में यानी कि कमेंट सेक्शन में अपना नंबर शेयर नहीं करती। बहुत सारे लोग मेरी फोटो लेकर और नाम शामी गुप्ता जी वास्तु मेरिकल्स करके डालते, तो प्लीज़ वहाँ पर कॉन्टैक्ट मत कीजिए, फंस जाएंगे, पैसे फंस जाएंगे। अगर मुझसे बात करना चाहते हैं, वास्तु मेरिकल्स मेरी वेबसाइट है vastumiracles.com, वहां जाके कॉन्टैक्ट में जाइए, मेरा नंबर वहां लिखा है, जल्दी से नोट कर लीजिए। वहां पे ऑफिशियल नंबर है, वहां पे आप पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं। दूसरा चैनल है वास्तु मेरिकल्स मंत्रा के नाम से, जहां पे से सुनकर अपनी इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं आप। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ राशियों के अकॉर्डिंग, आपकी राशि के अकॉर्डिंग आपको क्या चढ़ाना चाहिए माता रानी को खुश करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं मेष राशि की तरफ। मेष राशि वालों को गुलाल लाल आप फूल चढ़ा सकते हैं, गुलाबी वस्त्र चढ़ा सकते हैं और पेड़ा मिठाई में चढ़ा सकते हैं। वृष राशि वाले श्वेत वस्त्र यानी कि सफेद वस्त्र चढ़ा सकते हैं, बतासा का प्रसाद चढ़ा सकते हैं, केला चढ़ा सकते हैं। अगर आप ये 9 दिन भी चढ़ाएंगे तो चलेगा, नहीं तो आप 2 दिन 3 दिन जरूर चढ़ाएं। मिथुन राशि वाले हरा वस्त्र, नाशपाती, मौसमी फ्रूट आदि चढ़ा सकते हैं, या फिर हरे जैसी लौकी की बर्फी भी चढ़ा सकते हैं, कोई भी मिठाई, हरी सब्जी भी आप चढ़ा सकते हैं। अब चलते हैं कर्क राशि वालों की तरफ। आप लोग श्वेत वस्त्र यानी कि सफेद वस्त्र, इलायची दाना, जो इलायची दाना प्रसाद में मिलता है वो चढ़ा सकते हैं और मखाने आप चढ़ा सकते हैं। सिंह राशि वाले गुलाबी वस्त्र चढ़ा सकते हैं, अनार चढ़ा सकते हैं, लाल कोई भी मिष्ठान चढ़ा सकते हैं यानी कि कोई भी लाल मिठाई चढ़ा सकते हैं, किशमिश भी आप चढ़ा सकते हैं, किशमिश का भी भोग लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप अपने घर में भी कर सकते हैं। चढ़ाने के बाद आप किसी भी नीडी को दे सकते हैं। खाने वाला जो चीज़ है, मिठाई है, वो घर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कन्या राशि वाले लोग हरा वस्त्र, हरा फल आदि चढ़ा सकते हैं, यानी कि हरा फल या हरी सब्जी या हरी कोई मिठाई आप चढ़ा सकते हैं। मार्केट में आजकल इजीली बहुत चीज़ें मिल जाती हैं, आप मिठाई की शॉप पे जाइए, आपको बहुत सारी हरी कलर की मिठाई मिल जाएंगी, लौकी की बर्फी मिल जाएगी या बहुत सारी मिल जाएंगी, काजू की बर्फी में भी हरा कुछ मिल जाएगा, आपको ज़रूर चेक कीजिएगा। तुला राशि वाले श्वेत वस्त्र यानी कि सफ़ेद वस्त्र, बतासा, केला ये चढ़ा सकते हैं। वृश्चिक वाले, वृश्चिक जिनकी राशि है वो गाढ़ा गुलाबी कलर का, जो कि मैंने पहन रखा है, गाढ़ा गुलाबी कलर का वस्त्र चढ़ा सकते हैं। वस्त्र कोई भी छोटा सा कपड़ा आप चढ़ा दीजिए, हैंकी भी चढ़ा सकते हैं, 1 मीटर कपड़ा भी लेकर चढ़ा सकते हैं और लाल फूल जरूर चढ़ाएंगे। धनुराशि वाले पीला वस्त्र, पीला पेड़ा, पीली मिठाई, पीला पेड़ा ये आराम से आपको आराम से मार्केट में मिल जाएगा। हल्दी की गांठें यानी कि सूखी हल्दी की गांठें ये जरूर चढ़ाइए। मकर राशि वाले और कुंभ राशि वालों को, दोनों को मैं बता रही हूँ, स्लेटी कलर का वस्त्र यानी कि ग्रे कलर का वस्त्र, गहरे रंग की वस्तुएं, कोई भी गहरे रंग की वस्तुएं आप चढ़ा सकते हैं और साथ में हलवा आप चढ़ा सकते हैं, हलवा, मखाने, ये सारी चीज़ें आप चढ़ा सकते हैं माता रानी। मीन राशि वाले जो कि आखिरी राशि है, पीला या सुनहरा वस्त्र यानी कि गोल्डन कलर का कोई आप वस्त्र चढ़ा सकते हैं, गोल्डन कलर का कपड़ा चढ़ा सकते हैं आप, या पीले रंग का फल या मिठाई, ये कोई भी आप चढ़ा सकते हैं। अगर आप इस तरीके से माता रानी को अपनी राशि के हिसाब से चढ़ाते हैं, पूरे 9 दिन में आप 1 दिन भी चढ़ा सकते हैं, और पूरा 9 दिन आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो पूरे 9 दिन चढ़ाइए, नहीं तो कोई भी 1 दिन आप चढ़ा सकते हैं, अष्टमी नवमी वाले दिन या पहले फास्ट वाले दिन ही चढ़ाते हैं, तो आपको जरूर के जरूर फायदा होगा, आपको अच्छे अच्छे फायदे दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो जल्दी से जल्दी पूरी होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।